हाउ टू विन फैन क्लस फ्री फायर टूर्नामेंट। और हम लोगों की जो स्क्वाड होती है जो अक्सर ज़्यादा मैचेस खेलती है वो है स्क्वाड मैच। तो गाइस आज हम उसी मैटर पे बात करने वाले हैं, उसी मैटर पे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं ओनली 4 पॉइंट में। तो सबसे पहले अपन पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे आता है अपनी लैंडिंग पोजिशन। आप ऐसे जगह पे लैंड करें जहाँ पे आपको वहाँ की हर एक छोटी से छोटी चीज़ें पता हो, आपको गन कहाँ मिलती है, और वहाँ पर अगर एक स्क्वाड आ भी जाए तो आप वहाँ पर हैंडल कैसे करोगे और उस स्क्वाड को आप वाइप आउट कैसे करोगे। तो ये सारा चीज़ें अगर आपको पता हो किसी एक प्लेस की तो आप लोग वहीं पे लैंड करें, जितना ज़्यादा हो वहीं पे लैंड करें और आपके स्ट्रॉन्ग जोन जहाँ पे हैं वहाँ पे लैंड करें। देन अपन सेकेंड नंबर बात करने वाले हैं सर्वाइव। फैन क्लास में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वो सारे के सारे बुआ बेस पे होते हैं। अगर आप टॉप 6 पे आओगे तो आपके पैसे बचेगा एंड टॉप 3 में आओगे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो वहाँ पे सारे के सारे जो मैचेस होते हैं बुआ बेस पे होते हैं। तो बुआ बेस में करने के लिए आपको टॉप 6 में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पैसे बचाने हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मैं एक रश करके अगर मैच जीतूं तो 95% मैं डिसएग्री करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल यार कि आप अगर रश करो और फिर बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टीम होंगे ना वो कोई पागल नहीं होगा कि वो रश करें, वो भी सर्वाइव कर रहे होंगे और वो भी चांस लेते हैं कि कोई अगर दो पार्टी लड़ाई करो वहाँ पे थर्ड पार्टी बने। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि आप सर्वाइव करो, वो भी बहुत अच्छा सर्वाइव। देन अपन तीसरे नंबर बात करने वाले हैं कि वेट फॉर राइट टाइम फॉर रश। आपको राइट टाइम का वेट करना है वो भी रश करने के लिए। राइट टाइम बोलने का मतलब ये है कि जब दो पार्टी एक दूसरे से फाइट कर रहे हो और आप जाके थर्ड पार्टी बन रहे हो, और थर्ड पार्टी बनने से भी पहले आपको चारों साइड नज़रें घुमानी है। देन उसके बाद आपको देखनी कोई फोर्थ पार्टी तो नहीं आ रही हो। अगर फोर्थ पार्टी आ रही हो थोड़ा वेट कर लो, अगर फोर्थ पार्टी के साथ या जो थर्ड सेकंड पार्टी है उसको निपटाओ, देन उसके बाद तुरंत फोर्थ पार्टी के लिए रेडी रहो। इससे आपको क्या होगा कि एक साथ आपके 18 टीम निपट जाएंगे, एक साथ 12 जो प्लेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली निपट जाएंगे। देन उसके बाद अपन सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि लास्ट जोन पर जब सर्वाइव वाला मैच होता है तो बहुत सारे स्क्वाड बची होती, तो आप कि पूरी स्क्वाड एक ऐसे जगह पे पोजीशन बनाओ जहाँ पे फुल्ली कवर हो, जहाँ पे सामने जितने भी सारे स्क्वाड फाइट कर रहे हो उसके स्पॉट में ना आओ। अब आप ऐसे अगर प्लेस पे अगर पोजीशन बनाओगे तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाले दो जितने भी टीम्स हैं वो फाइट करेंगे एक दूसरे से, देन वो सारे टीम्स एक दूसरे से फाइट करके नॉकआउट हो जाएंगे या फिर वाइप आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल लास्ट टीम बची है, देन उसके बाद आप तुरंत रश करो, तुरंत अटैक करो, ताकि जो सामने वाला जो स्क्वाड है उसमें तो वैसे भी उतनी ज़्यादा हेल्थ नहीं होगी, देन आपके पास तो पूरे स्क्वाड की पूरी हेल्थ है, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा और सामने वाले स्क्वाड को आप आराम से वाइप आउट कर जाओगे एंड आपका हो जाएगा बुआ एंड आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। और अगर ये चारों पॉइंट अगर आप यूज़ करते हो, आप फॉलो करते हो, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझूंगा कि ये हम लोगों का स्ट्रेटजी है जो मैंने 4 पॉइंट बताए। अगर बुआ मिलता है तो आप लोग आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ये जो ट्रिक्स है वाकई में काम करेगी। एंड हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगर आपको कोई भी अगर डाउट होना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, हैशटैग लगा देना इंस्टाग्राम या तो फेसबुक जहाँ पे भी आपको आंसर चाहिए विद वीडियो प्रूफ के साथ, तब की बात करूँ, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम में भी कर लेना। और कुछ लोगों का जो मैसेज है गाइस वो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि वो जैसे ही मैसेज करते हैं वैसे ही वहाँ से हट जाता है, इस वजह से नहीं देख पाता, तो इसके लिए बुरा मत मानना। लेकिन हाँ, जो भी है आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करने के बाद। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ एक बार अगेन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना। ओके गाइस, बाय बाय।